हिमाचल कैबिनेट के नए मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी दिल्ली आए हैं, दिल्ली आने की कोई खास वजह? पहले तो देखिए, आज सीएम साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के अध्यक्षता में जो है आज दिल्ली हम पहुंचे हैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करने, जिन्होंने हमारे पे विश्वास एक जता के जो है कैबिनेट में रैंक दिया है पूरी स्टेट में। इसके लिए हम धन्यवादी हैं पूरी लीडरशिप का, उसी के लिए धन्यवाद करने हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। दूसरा, चूंकि मंत्री आप बन चुके हैं और काफ़ी टाइम भी लगा इस कैबिनेट विस्तार को लेकर, आप लोगों के मन में भी लगातार पशुपेश रहा होगा, और अभी क्या पोर्टफोलियो को लेकर कुछ बातचीत हुई है कि कौन सा पोर्टफोलियो मंत्रालय मिलने वाला है? वो देखिए, पोर्टफोलियोज को लेकर किसी की भी कोई चर्चा ना सीएम साहब के साथ हुई है ना ही लीडरशिप के साथ हुई है। जो जिम्मेवारी जिसको मिलेगी उसको निभानी पड़ेगी, और सीएम साहब के सख्त निर्देश हैं क्योंकि ज़मीन के नेता हैं वो, कि हर 6 महीने बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी, अपनी प्रोग्रेस जो है पूरे स्टेट की जो है आपको रिपोर्ट जो है पेश करनी पड़ेगी। तो जो भी विभाग जिसको मिलेगा वो उसको मान्य होगा और उसके लिए वो मेहनत करेंगे। यानी कि जो आपने कहा कि हर सभी मंत्रियों को 6 महीने बाद अपनी अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपने अपने मंत्रालय को लेकर? जी बिल्कुल, उसको रिव्यू किया जाएगा। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, जब एग्ज़ाम जब कोई देता है तो नंबर जो है वो आने चाहिए, और मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो तो मैंने हम नहीं समझते हैं कि हमारा किसी भी सीट के ऊपर रहना वो उचित रहेगा। चलिए, पोर्टफोलियो आपको जो भी मिलेगा, हिमाचल की जनता के लिए आप लोग किस तरह से खास काम करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार रही है हिमाचल में, क्या आप लोग फेरबदल करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि दुर्भाग्य हमारा स्टेट का यह है कि पिछली भाजपा सरकार 75,000 करोड़ रुपये का कर्जा जो है छोड़ के गई है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैसे स्टेट में आएगी, मुख्यमंत्री ओपन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी लेने की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स आए और लगाए। पिछले, आपको ध्यान होगा, पिछले 5 साल पहले भाजपा सरकार ने आते ही एक इंडस्ट्रियल मीट करी थी धर्मशाला में, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, पर उनकी ढील रवैया और जो बाबूशाही जिसको बोलते हैं उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ पाई है। इनके ओपन पॉलिसी है और ओपन माइंड है। ओपन पॉलिसी है कि आप आइए और डीसी की जिम्मेवारी होगी टाइम बाउंड समय में जो है जो भी इन्वेस्टर होगा उसको जो है फाइल जो है पूरी सारी सैंक्शंस के साथ प्रदान की जाएगी। हम लोग वी आर वेरी ओपन टू दिस पॉलिसी। माने कि आने वाले 5 साल हिमाचल में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर होंगे? इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमेशा ही, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हिमाचल जो है शुरू से ही फ्रेंडली रहा है, और टूरिज्म एक मुख्य जो है मैं समझता हूँ इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं उसके, मुख्य इंडस्ट्री है टूरिस्ट की। लेकिन पिछले 15 सालों में दुर्भाग्य भी है कि मुख्यमंत्री कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, और मैंने प्लानिंग की जो मीटिंग होती है स्टेट की हर साल, उसमें भी मैंने पिछली बारी भी माननीय मुख्यमंत्री को बोला था कि विभाग जो है ये किसी अन्य मंत्री के पास होना चाहिए, क्योंकि 15 साल से मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं उनके पास ही रहा है, और उसका उनके सेक्रेटरी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, तो उनके पास तो वैसे समय नहीं होता है। तो टूरिज़्म जो आज हाशिए के ऊपर है हिमाचल प्रदेश में, इसको उठाने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट आएगी तो हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी रहती है इन्वेस्टर्स की, इसके ऊपर हमारा जोर रहेगा। तो अनिल सिंह जी हमारे साथ थे, उनका कहना है कि टूरिज़्म हिमाचल में बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, और इनका कहना है कि पोर्टफोलियो इनको जो भी मिलेगा ये उसके लिए तैयार रहेंगे। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।